हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला अस्पताल का कायाकल्प देखने पहुंची राज्य स्तरीय टीम। जिला मुख्यालय के राजकीय अस्पताल में सफाई, चिकित्सा सुविधाएं, बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, संक्रमण नियंत्रण, इको फ्रेंडली आदि व्यवस्थाओं को जांचने के लिए सोमवार को जयपुर के 2 सदस्यीय टीम बाड़मेर पहुंचे। सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए शुरू की गई कायाकल्प पुरस्कार योजना के लिए जयपुर से डॉक्टर प्रदीप चारण व यूनिसेफ के विनोद राठौड़ की टीम यहां 28 व 29 दिसंबर को राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाएं जांचकर गाइडलाइन अनुसार चेकलिस्ट भर कायाकल्प की वेबसाइट पर अपलोड करेगी। यदि हमारा अस्पताल बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छता, इको फ्रेंडली और अन्य तय मापदंडों पर खरा उतरा तो सरकार से 3 लाख से 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिल सकता है। जनता के सहयोग से संभव। राजकीय अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने बताया कि उन्होंने कायाकल्प पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछले काफी दिनों से अथक प्रयास कर व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास किया है और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। अस्पताल को साफ सुथरा रखने एवं व्यवस्थाओं को बनाने में चिकित्सा कर्मियों के साथ आम जन का सहयोग भी अहम है। जनता के सहयोग से ही हम अपने अस्पताल को स्वच्छ व अच्छा बना सकते हैं। जनता से अपील करते हुए कहा कि वो अस्पताल को साफ सुथरा रखने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि पुरस्कार प्राप्त हो सके। स्वच्छता के मानक निरीक्षण टीम के राज्य स्तरीय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप चारण ने बताया कि 2 दिन के निरीक्षण के दौरान उनकी टीम अस्पताल के आसपास की सफाई, नालियों की सफाई, अस्पताल भवन का रखरखाव, अपशिष्ट पदार्थों की समुचित निकासी, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था, प्रस्तुति कक्ष स्वास्थ्य के कितने अनुकूल है, अस्पताल को इको फ्रेंडली बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास आदि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण करेगी। इसके साथ अस्पताल के डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मियों का रोगियों व जनता के व्यवहार को भी नोटिस किया जाएगा। निरीक्षण टीम के साथ जिला अस्पताल के कायाकल्प अधिकारी डॉक्टर हरदान सहारन व हेल्थ मैनेजर नरेंद्र कुमार खत्री द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण करवाया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठकर राम इकबाल की रिपोर्ट।